हाय एवरीवन, होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, सीएमए फाउंडेशन की हम अपना अकाउंट जो है वो कैरी कर रहे थे। आज एक अपना नया लेक्चर हम कैरी करेंगे। जिन्होंने पहले अगर लेक्चर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये टॉपिक है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम दोस्तों क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, यानी हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक का नाम दोस्तों डेबिट होता है, दूसरे का नाम क्रेडिट होता है। यदि दोस्तों अगर हम क्या करें, हर एक ट्रांजेक्शन के दो दो इफेक्ट दे दें तो गारंटी है कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कई बार दोस्तों ये देखा जाता है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी डील करते हैं, अगर हमारी बैलेंस शीट नहीं मैच होती तो ये माना जाता है कि आपने 100% कहीं ना कहीं हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट नहीं दिया गया है। हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं एग्जाम की, अगर हम क्या करते हैं, अगर डबल इफेक्ट दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, और उससे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। फाउंडेशन में तो हमें कोई बैलेंस शीट मैच नहीं कराना, एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे वो हमें समझाने, लेकिन फिर भी मैंने आपको डबल एंट्री का जो सिस्टम है वो समझाया है। इट वॉज इन 1494 दैट लुका पासियोली, एन इटालियन मैथमेटिक्स, फर्स्ट पब्लिश इट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम made it possible to record not only cash but also sort of mercantile transaction. Mercantile transaction मतलब जिसमें cash भी होता है transaction और credit transaction भी होता है. It had created a profound impact on auditing too because it enhanced the duties of an auditor to a considerable extent. Every transaction has two aspects. हर एक transaction के दो aspect होते हैं, एक का नाम debit और एक का नाम credit. One party giving the benefit and other receiving the benefit. Every transaction is divided into two aspects, debit and credit. One account is to be debited, other account is to be credited. Every debit must have its corresponding equal credit. Yani har ek transaction ka ek debit effect hota hai, credit effect hota hai. Aapne maan lijiye rent pay kiya, to rent debit karoge aap aur cash credit karoge aap. Rent debit cash, to ye aapka debit effect ho gaya, ye aapka credit effect ho gaya. To har ek transaction ke debit effect hote hai, har ek transaction ka credit effect hota hai. अगर आप डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दे दोगे तो 100% आपकी बैलेंस शीट दोस्तों वो मैच होगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अकाउंट्स। दोस्तों अकाउंट्स हमारे तीन तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट दोस्तों, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, किसी भी जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कंपनी होती है, जो संस्था होती है, फॉर्म होती है, वो सारे के सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में जितनी भी हमारी असेट्स यानी संपत्तियां होती हैं वो सारी रियल अकाउंट में आती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल। दोस्तों टेंजिबल असेट होती है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, हमारी कार हो गई, लेकिन जो गुडविल होती है, जो पेटेंट होते हैं, जो ट्रेडमार्क होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। केवल कंपनी की जो बड़ी ख्याति होती है उससे हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारा इनटेंजिबल होता है। दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, पर्सनल अकाउंट होता है हमारा एक, दूसरा रियल अकाउंट होता है, तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में जितने भी इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, कंपनी होती है, फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वो सब पर्सनल अकाउंट में आती है, जो ये बैंक होती है, जितनी भी संस्थाएं हैं। रियल अकाउंट में जितनी भी असेट होती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, वो रियल अकाउंट में आती है। नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है, जितने भी हमारे फायदे होते हैं, जितने भी हमारे नुकसान होते हैं, ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ अकाउंट में गाइस हमारे तीन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जितने भी हमारे व्यक्तियों के पर्सनल अकाउंट, पर्सनल हो गए, बैंक हो गए, फर्म हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में हमारे सारी असेट आती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, फायदे होती है या इनकम होती है, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, दीज पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन लाइक सुरेश अकाउंट, अनिल अकाउंट, रानी अकाउंट, जो हम पर्सनल अकाउंट हो गए, जैसे मैं हो गया। द पर्सन कुड ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लाइक कंपनीज हो गया, बॉडीज, कॉर्पोरेट हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। अकॉर्डिंगली वी कुड हैव अ वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज अकाउंट, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज अकाउंट, चैरिटेबल ट्रस्ट अकाउंट,
अली एंड सन ट्रेडिंग अकाउंट, मनीष एंड दीपक पार्टनरशिप फर्म, एबीसी फर्म अकाउंट, एंड इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि प्रीपेड अकाउंट हो गया, प्रीपेड होगा, आउटस्टैंडिंग हो गया, पेबल हो गया या एडवांस में हो गया, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट पे दोस्तों आते हैं। थर्ड पॉइंट यही हमारा बताता है सी पॉइंट। अब हम करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जितनी भी हमारी असेट्स होती है वो सब रियल अकाउंट में आती है। दो तरह की होती है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। उसके बाद है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हो गया हमारे वेजेस अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, रेट्स अकाउंट हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया, ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब है हमारे अप्रोचेस, अकाउंटिंग प्रोसेस को जो हम करते हैं उसकी अप्रोचेस क्या है। दो अप्रोचेस है दोस्तों, अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं और ब्रिटिश अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। दो तरह की हमारी अप्रोचेज होती है अकाउंटिंग में, एक होता है अमेरिकन अप्रोच, दूसरा होता है ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को दोस्तों हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं और ब्रिटिश अप्रोच को दोस्तों हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। अमेरिका अप्रोच बोलती है दोस्तों कि अकाउंट्स को, जो भी पूरी अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, पांच हिस्सों में बांट लो। पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है असेट, फोर्थ है एक्सपेंस, फिफ्थ है रेवेन्यू। मॉडर्न अप्रोच यानी अमेरिकन अप्रोच बोलती है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं पांच हिस्सों में बांट लो, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। कुछ रूल बताए इन्होंने, रूल को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, देखना दोस्तों। असेट का जो नेचर होता है दोस्तों डेबिट का होता है, लायबिलिटी का जो नेचर होता है क्रेडिट का होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट का होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट का होता है, स्टॉक का नेचर डेबिट का होता है। अब देखना, अगर ये बढ़ेगा, असेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट कर दो, असेट अगर कम होगी तो क्रेडिट कर दो। जो भी डेबिट वाले होंगे उन सबका यही नेचर होगा, देखना हम डेबिट पर आ जाते हैं। बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। अब हम पढ़ लेते हैं क्रेडिट वाले, सबका कॉमन होगा। देखो डेबिट वालों का अपोजिट कर दो, अगर बढ़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे और अगर घटेगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और वो ये सिंपल, अगर बढ़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, घटेगा तो हम डेबिट कर देंगे। बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो हम डेबिट करेंगे। यानी एक का रूल पढ़ लिया, अगर आपने असेट का रूल पढ़ लिया तो आपको बाकी के जो भी ये एक्सपेंस होगा, स्टॉक होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लायबिलिटी जो है, कैपिटल जो है, इनकम जो है, वो असेट का अपोजिट हो जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच जो होती है दोस्तों, ब्रिटिश अप्रोच बोलती है कि हमने जो हमारे, हम क्या करते हैं कि अकाउंट्स को हमने तीन हिस्सों में बांट लिया, एक का नाम है पर्सनल अकाउंट, दूसरे का नाम है रियल अकाउंट, तीसरे का नाम है नॉमिनल अकाउंट। इनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पर्सनल अकाउंटिंग का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके दोस्तों, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है बिजनेस में उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो गया है उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस में जितने भी नुकसान हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उनको हम डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम हो रही है, जितने भी गेन हो रहे हैं, वो सबको हम क्रेडिट करेंगे। दोस्तों ब्रिटिश अप्रोच जो है गाइस, तीन रूल के, तीन थंब रूल पर डिपेंड करती है, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, जो जिसको मिलेगा उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, जो जिसको दिया जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आएगा बिजनेस में उसको हम डेबिट करेंगे, जो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ रही है और आपका कैश लेकर आ रहे हो आप, तो आपकी कैश एसेट भी बढ़ रही है। ओके, बॉट गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या हो रहा है आपका, बॉट गुड्स फॉर कैश, इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप सामान खरीद रहे हो कैश में तो आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है और आपकी कैश कम हो रही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर आप सामान कैश में बेच रहे हो तो आपके जो है, आपका जो है वो मालिक, चलिए आपका डेटर भी बढ़ रहे हैं और आपकी कैश भी बढ़ रही है। ओ, कैश में बेच रहे तो आपकी डेटर नहीं होगी, सेल होगी, आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप
एंट्री करोगे। पेड सैलरी, तो आपका खर्चा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होगा एंट्री सी क्या होगी आपकी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई, आपने सामान खरीदा है उधार पर वाई से, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, तो इसका हो जाएगा आपका पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, तो यू कैन से दैट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपने अपने पर्सन से किया है। इलस्ट्रेशन दो बोल रहा है कि आप इसको ब्रिटिश अप्रोच से करो, अगर आप एंट्रियां बना लोगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम बहुत क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है दोस्तों कि हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। अगर आप डबल एंट्री इफेक्ट देते हो, यानी हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देते हो, तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। जो आपकी असेट साइड होगी वो लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगी। इक्वेशन से समझते हैं हम क्वेश्चन से। देखो दोस्तों हमें ऐसा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, 8 या 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तब आपको ऐसा करने की जरूरत होती है। अभी तो आप सिंपल सा रफ शीट में करके आप क्वेश्चन को निपटा दोगे। देखो हमें इस तरीके से करना है कि हमारी जो असेट होती है वो बराबर होती है हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, हमेशा यही क्वेश्चन रखनी है हमें। आपने इन्वेस्ट कर दिया 20,000 फॉर्म में, तो आपका कैश आ गया होगा, आपकी असेट बढ़ गई 20,000 से, बराबर में लायबिलिटी तो जीरो है अभी आपकी, कैपिटल बढ़ गई आपकी 20,000, तो अभी भी देखो बराबर है, 20 और 20 बराबर है, असेट और लायबिलिटी बराबर है। परचेज करा आपने गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास 2000, आपने सामान 2000 का उधार खरीदा, तो आपकी जो है असेट जो है वो बढ़ जाएगी 2000 से, और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी जो है वो भी आपकी 2000 से बढ़ जाएगी, कैपिटल आपके यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये असेट हो जाएगा 22,000 और 2000 आपकी लाइबिलिटी और 20,000 आपकी कैपिटल। टोटल अगर हम देखें तो दोनों साइड का मैच हो रहा है अभी भी। उसके बाद दोस्तों बॉट किया हमने प्लांट फॉर 8,000 कैश में, हमने कैश में खरीदा 8,000 का प्लांट, तो प्लांट नाम की असेट हमारे पास आएगी और हमारे पास से क्या है 8,000 का कैश जाएगा, एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास से प्लस 8,000 का प्लांट हमारे पास आएगा और हमारे पास से 8,000 का कैश जाएगा। 8,000 का हमारे पास से कैश जाएगा, यहां पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0-0। ओ सॉरी, इसको हम अब हम मैच करते हैं, 8,000 प्लस हुआ माइनस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 22,000 अभी भी हमारा है टोटल, और लाइबिलिटी हमारी 2,000, 20,000 हमारा अभी भी दोस्तों क्या है। सो आपको इसी तरीके से रफ में सॉल्व करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है नहीं हमारा, आप समय क्यों कंज्यूम करोगे उसमें। वैसे एक एक पॉइंट आएगा, बट फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट और बिल्ड हो जाए। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका क्या होगा, एक बार आपका परचेज करोगे सामान तो आपका सामान बढ़ेगा और कैश आपकी चली जाएगी, क्योंकि आप कैश में भुगतान करोगे, तो 4,000 से आपका असेट बढ़ेगी, यानी आप परचेज करोगे सामान और 4,000 से आपका कैश जाएगा, तो सेम वही है 22,000 यहाँ पर वही रहेगा, 2,000 आपकी बराबर में, 2,000 आपकी लाइबिलिटी और 20,000 आपका क्या रहेगा अभी भी, तो इसको हम थोड़ा सा असेट हमारी जो है 22,000 है हमारी, और लाइबिलिटी भी हमारी 22,000 है। चलिए दोस्तों यहां शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 22,000 हमारा, 2,000 हमारी लाइबिलिटी थी, 20,000 हमारी कैपिटल थी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ये बोल रहा है सोल्ड कर दिए गुड्स 4,000 वाले 2,000 के प्रॉफिट पे 6,000, 4,000 वाला सामान आपने 6,000 में बेच दिया, 2,000 का फायदा, आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 आपके कैश आएगा
sold goods for cash account debit to sales 6000 आपका. So इससे क्या होगा दोस्तों आपका 6000 आपकी कैश आ गई, 4000 का प्लस में करोगे 4000 का आपका सामान माइनस हो जाएगा और 2000 का जो आपका मुनाफा वो कैपिटल में चला जाएगा आपका. आप करना कितना होता है 24000 आपकी एसेट हो गई, लाइबिलिटी अभी भी आपकी 2000 है और 2200 हो गई आपकी कैपिटल. अगला पढ़ते हैं पे टू दास इन कैश 1000. आपने दास से सामान उधार खरीदा 2000 का, याद है आपको यहां पर आपने 2000 का सामान खरीदा था. अब आपने 2000 में से 1000 रुपए दास को पे कर दिया तो 1000 रुपए आपका कैश चला जाएगा माइनस और लाइबिलिटी भी आपकी माइनस हो जाएगी 1000 से. 23000 की आपकी असेट बचेगी, 1000 की लाइबिलिटी अभी भी है और 22000 आपका अभी भी क्या है कैपिटल है. तो 22 और 1 23 और यहां पर 23 अभी भी मैच हो रहे हैं. रिसीव्ड फ्रॉम बैनर्जी 300 रुपए आपने बैनर्जी को सामान उधार भेजा था, उसके बाद आपको 300 रुपए आपको मिल गए तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी. ओके 300 रुपए से आप क्या कर दोगे बढ़ा दोगे. और अगर मान लीजिए ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा वो डेटर था, हम ऐसा भी कर सकते हैं तो 300 का हमारा डेटर जाएगा यहां पर अभी भी 23000. ऐसा भी कर सकते हैं और कैपिटल से भी कर सकते हैं हम एडजस्ट. ठीक है पेड सैलरी 6000 आपका 6000 जो है आपका कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी आपका माइनस हो जाएगा 6000. ओके रिसीव्ड इंटरेस्ट 5000 आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको कैश बढ़ जाएगा तो आप एसेट में ऐड कर दोगे और कैपिटल में भी आप ऐड कर दोगे. पेड वेजेस 3000 3000 आपने वेजेस के पे कर दिए, कैश आपकी चली गई जो कि आपके पास से कैश आप माइनस कर दोगे 3000 रुपए और कैपिटल से भी आप माइनस कर दोगे 3000. तो इस तरीके से आपको ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, टेक्निकली नहीं आएगा, एक ही करके आएगा ये क्वेश्चन. एक एक्सरसाइज हमें करने के लिए दी हुई है हम कर लेते हैं. राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 9000 रुपए, एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 9000 9000. होगा कि आपकी कैपिटल 9000 से बढ़ जाएगी और असेट भी आपकी बढ़ जाएगी 9000 से. परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, आपने इक्विपमेंट खरीदा 7400 रुपए का कैश में एंट्री बनेगी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. आप क्या करोगे असेट आपकी 7400 से इक्विपमेंट बढ़ जाएगा और 7400 से आपकी कैश माइनस हो जाएगा. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 26050 रुपए का आपने सामान खरीदा क्रेडिट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू यू कैन से दैट परचेज अकाउंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट आपने किससे खरीदा सामान, जिससे भी खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. ठीक है इस केस में क्या होगा आपका सामान बढ़ेगा 2650 से और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2650 से. पेड 300 टू क्रेडिटर, आपने 300 क्रेडिटर को दे दिए, कैश कम हो जाएगी आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, 300 से आपका कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर भी 300 से कम हो जाएगा. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000 कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए का जो सामान था वो हमने कितने का बेच दिया 2000 रुपए का, 800 का मुनाफा पे. ठीक है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यू कैन से दैट 2000 और इसमें क्या होगा आपका कैश 2000 से बढ़ जाएगा और 1200 रुपए का आपका स्टॉक माइनस हो जाएगा और 800 रुपए आपका कैपिटल में एडबैक हो जाएगा. बिजनेस एक्सपेंसेस, सो यू कैन से दैट बिजनेस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश कर सकते हो आप. इसमें क्या हो जाएगा आपका कैश आपकी 700 से कम हो जाएगी, कैपिटल आपकी 700 से कम हो जाएगी. गुड्स वर 400 टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस, सो यू कैन से दैट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. इस केस में आपको क्या होगा कि आपका स्टॉक 400 से माइनस कर दो आप और कैपिटल से भी 400 आप माइनस कर दो. डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट 200 का डेप्रिशिएशन लग गया, सो यू कैन से दैट डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट इसकी एंट्री बन जाएगी, 200 से आपकी असेट माइनस हो जाएगी और 200 से आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी. इस वजह से हमारा अकाउंट इक्वेशन हमेशा मैच होगा जब हम दोनों इफेक्ट देंगे उसको. परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 आपने गुड्स कैश में खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश स्टॉक बढ़ेगा असेट बढ़ेगी और 1000 से असेट भी आपकी कम हो जाएगी. रेंट आउटस्टैंडिंग, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग इसकी एंट्री बनेगी. इसका आप क्या करोगे 200 की लाइबिलिटी बन जाएगी और 200 से ही आपका क्या बन जाएगा कैपिटल, समझ रहे हो आप, 200 से हम कैपिटल एडबैक कर देंगे, 200 से हम कैपिटल में एडबैक कर देंगे. उसके बाद है दोस्तों हमें जर्नल एंट्रियां जो हम करते हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, लेकिन अभी तो हमें क्या है कि केवल टिक करना है, चार ऑप्शन हमें मिलेंगे वो हमें टिक करना है. बट होता क्या है दोस्तों
जब हम डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं फिर भी हम फॉर्मेट देख लेते हैं कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस ये फॉर्मेट बना होता है, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, वाउचर नंबर होता है, लेजर पोलियो का कॉलम होता है, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट का अमाउंट होता है। हम पहले तारीख लिखेंगे, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। ये फॉर्मेट होता है डेट का। यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं कि हमने क्या सामान परचेज किया है, सेल खरीदी, असेट किया, हमने सैलरी पे करी है, वेजेस पे करी है, जो जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसका नेचर लिखते हैं हम यहाँ पर। वाउचर नंबर क्या होता है दोस्तों, सपोज एक मोबाइल बेचने की कंपनी है, तो जब वो मोबाइल बेचती है तो वो एक इनवॉइस रेस करती है, तो उसमें इनवॉइस का नंबर होता है, तो वहां पर हम लिख लेते हैं। और हमारी बड़ी बड़ी हर एक ट्रांजेक्शन का लेजर की बुक होती है दोस्तों, तो लेजर की बुक में जो लेजर का पेज नंबर होता है वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, लेजर फोलियो। यहाँ पर हम डेबिट में लिख देते हैं, यहाँ हम क्रेडिट में लिख देते हैं। चलिए हम एंट्रियां पढ़ते हैं। मैं की एंट्रियां बनाते जाऊँ, क्योंकि एग्जाम में भी क्या होगा दोस्तों, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, एक एंट्री दी होगी हमें, उसकी एंट्री बनानी होगी कि जर्नलाइज द बिलो ट्रांजेक्शन, तो वो हमें करना होगा, वो हम कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों कह रहे हैं कि मिस्टर विकास, इलस्ट्रेशन नंबर चार, मिस्टर विकास एंड मिस्टर वैभवी हु आर हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, स्टार्टेड कंसल्टिंग बिजनेस, उन्होंने कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया फॉर देयर पर्सनल कैश, 5 लाख विकास ने लगाया अपने बिजनेस में और वैभवी ने 2.5 लाख, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल, विकास ने कितना कैपिटल लगाया दोस्तों, और टू वैभवी कैपिटल, वैभवी ने कितना कैपिटल लगाया दोस्तों, विकास ने कितना लगाया था 5 लाख, क्रेडिट हो जाएगा, और 2,50,000 किसने लगाया था, वैभवी ने, दोनों का टोटल 7,50,000, 7,50,000 ये हमारी एंट्री होगी पहले ट्रांजेक्शन की। बॉट ऑफिस फर्नीचर 25,000, आपने कैश में खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट कर देंगे आप कैश को, 25,000 ये भी हमने कर लिया। ओपेंड अ करंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख, आपने डिपॉजिट करके आपने क्या कर दिया, नया बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, तो एंट्री बनेगी इसकी पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास कैश चला गया टू कैश 1 लाख डेबिट, और 1 लाख आप क्या कर दोगे क्रेडिट। पेड ऑफिस रेंट 15,000 फॉर द मंथ बाय इतना, आपने चेक से पे कर दिया, तो आप कर दोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पीपी नेशनल बैंक 15,000 से, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बोट अ मोटर कार 4,50,000 फ्रॉम मिलियर मोटर कार बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट 50,000 एंड बैलेंस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम HS इतना, 4,50,000 का आपने मोटर कार खरीदी, 50,000 तो आपने बैंक से पे कर दिया यानी चेक के थ्रू, और बाकी का आपने लोन ले लिया, तो इसकी एंट्री बनेगी मोटर कार अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000 टू लोन फ्रॉम HS बैंक 4 लाख, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये बोल रहे हैं विकास एंड वैभवी कैरिड आउट अ कंसल्टेंसी असाइनमेंट फ्रॉम AA फार्मास्यूटिकल एंड AA फार्मास्यूटिकल को विकास एंड वैभवी ने कंसल्टेंसी की दी और बिल रेज कर दिया 10 लाख का एज अ कंसल्टेंसी फीस। Avon Pharma, इसका नाम था Avon, AO का नाम, Avon Pharmaceutical have immediately settled 2,50,000 by way of check and the balance will be paid after 30 days, the check deposit is now. तो सिंपल सा इसकी एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 और हम Avon Pharmaceutical डेबिट 7,50,000 टू कंसल्टेंसी फी 10 लाख, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट या पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000, Avon Pharmaceutical को डेटर बना लेंगे 7,50,000 से, और टू कंसल्टेंसी फीस पूरा 10 लाख। सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट 5,000 पर मंथ एंड ऑफिसर ऑफ 10,000 पर मंथ, द सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेबल टू देम, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट 10,000 और ये 15,000, ये हमारा जनरल एंट्री हो जाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी एंट्री करते हैं हम, इलस्ट्रेशन 5 की जनरल एंट्रीज करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग, हमें एक या दो जनरल एंट्री दी होगी उसकी हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, बट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे पॉइंट्स की। ही स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल प्लांट 10,000 का, बैंक 8,000 का, स्टॉक इतना, सो इसकी एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 12,000, इन सबका टोटल कितना हो गया 20,000 और 30,000 टू कैपिटल, प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000।
बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल, यानी आपने क्या किया, यूज करने के लिए नहीं बल्कि फर्नीचर खरीदा आगे बेचने के लिए 5,000 का, तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। दूसरा पॉइंट है कि बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन, यानी आपने अपने यूज करने के लिए फर्नीचर खरीदा, तो ये आपकी असेट होगी, तो आप करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। थर्ड एंट्री करोगे पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश फॉर 2,000, सो आप कह सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सोल्ड फर्नीचर आउट ऑफ दोज फॉर रीसेल, आपको 5,000 का जो सामान था आपने कितने का बेच दिया, 6,000 का बेच दिया, तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,000। पेड सैलरी टू मिस्टर रेक्स, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी फॉर कैश 3,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 डेबिट और क्रेडिट में। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सेन ऑन क्रेडिट 8,000, सो मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। मिस्टर सेन रिटर्न गुड्स टू वैल्यूड 1,000, इसका हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन 1,000। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर सेन 5,065 इन फुल सेटलमेंट, 8,000 का हमने सामान बेचा था, 1,000 का उन्होंने सामान वापस कर दिया, तो मिस्टर सेन से हमें मिलने थे 7,000 रुपए, मिस्टर सेन ने फुल सेटलमेंट कर दिया 6,500 रुपए देके, तो हमने 500 रुपए का उनको डिस्काउंट दिया है, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू मिस्टर सेन 7,000, 7,000 में से 6,500 का फुल सेटलमेंट हो गया, तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया 500 रुपए का। बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बॉस ऑन क्रेडिट 5,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बॉस 5,000। रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बॉस, तो हमने रिटर्न कर दिया, तो मिस्टर बॉस डेबिट टू परचेज रिटर्न, 5,000 का सामान खरीदा 500 का रिटर्न कर दिया, तो 4,500 उनको पे करने थे, बट हमने फुल सेटलमेंट करके 4,000 दे दिया, तो हमें 500 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर सेन ओ मिस्टर बॉस को डेबिट कर देंगे 4,500 से टू कैश, कितना हमने कैश पे किया 4,000, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड यूज करेंगे यहां पर वर्ड 500 का, ये हमारा मैच हो जाएगी एंट्रीज। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हमारी क्या है, कुछ बुक्स होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, उन बुक्स का पढ़ते हैं हम, कैश बुक जिसमें केवल और केवल कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हमारी कैश बुक होती है। परचेज बुक जिसमें उधार सामान खरीदा, जितने भी हमने सामान उधार खरीदा है उसको हम दिखाते हैं। सेल बुक जो सामान हमने उधार बेचा है उसको दिखाते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक जो सामान हमें, जो हमने सामान सेल किया, जो सामान कई लोग हमें सामान वापस कर देते हैं, कुछ सामान को सेल रिटर्न होती है तो वो यहाँ पर आती है, और अगर हमने सामान खरीदा है परचेज किया और हमें कुछ सामान वापस किया है परचेज रिटर्न किया है, तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में आएगा। बीआर बुक का मतलब जो भी हम सामान उधार बेचते हैं उसके बदले में जो हमें चेक मिलते हैं, जो हमें नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट मिलते हैं, तो हम बीआर बुक में दिखाते हैं। बीपी बुक में मतलब हमने अगर किसी से उधार सामान खरीदा है तो वो सारे ट्रांजेक्शन हम बीपी बुक में दिखाते हैं, जो भी हमने बिल्स इशू किए हैं, चेक इशू किए हैं। जनरल का हम पढ़ चुके हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 6, फिर हमारा लेक्चर आज का फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, प्लांट 24,000 और स्टॉक आपका 4,000 का, आपने स्टार्ट किया, तो आप इसकी क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 24,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000, इन सब का टोटल जो भी हो जाएगा हमारा कैपिटल में आ जाएगा 28,000 और 84,000 ना। सोल्ड गुड्स कितना होगा हमारा 74,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश इतना 8,000 एंड मिस्टर अग्रवाल 10,000, सो आपने उधार सामान बेचा और आपने, सो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट जिसको उधार बेचा 8,000, जिसको उधार बेचा उसका नाम आ जाएगा अग्रवाल, मैसेज अग्रवाल 10,000, टू सेल्स हमारा टोटल आ जाएगा 18,000।
उसके बाद मैसर्स अग्रवाल सेटल्ड अकाउंट डैश डिस्काउंट 6,000, 10,000 देने थे, उन्होंने कहा कि हमने उनको 600 का डिस्काउंट दे दिया, 9,400 दे दिए, तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट 9,400 हमें मिले, डिस्काउंट अलाउड 600 टू मैसर्स अग्रवाल 10,000। सो गाइस दीज आर द जनरल एंट्रीज, होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है दोस्तों आप पूछ सकते हो, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, बाय गाइस।